व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो कोई जगह या फिर कोई लोकेशन के बारे में नहीं होगी। तो आज मैं घर बैठा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को मेरा रूम दिखाया जाए, मतलब मेरा खुद का कमरा। तो आज का वीडियो यही रहेगा। तो मेरे दोस्त लोग और काफी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि यार तू अपना रूम दिखा। तो आज के वीडियो में आप लोग को मेरा पूरा रूम का टूर कराऊंगा और आप लोग को बताऊंगा कि मेरा रूम कैसा है, ठीक है। तो ये वाला अभी जो देख रहे हो ये मेरा रूम नहीं है, ये दूसरा कमरा है। मेरा रूम तो फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर है। तो चलते फटाफट ऊपर और आप लोग को मेरा रूम का टूर करवा दो, ठीक है। तो चलते सीधा ऊपर। ऑल राइट गाइस, तो ये है सीढ़िया और ये सीढ़िया जैसे हम लोग चढ़ेंगे ऊपर तो वैसे ही हमारा कमरा आ जाएगा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो इस तरह की सीढ़िया यहाँ पर, तो इधर सीढ़िया खत्म होती है आप लोग देख सकते हो। तो इधर एक सोफा पड़ा हुआ है जो कि फिलहाल अभी कमरे में से बाहर निकाल दिया, ये पूरा सोफा है। और इधर एक खटिया पड़ी है जो कि अभी फिलहाल इधर ही ऐसे ही पड़ी है। और ऊपर और देख सकते हो बाहर से कुछ इस तरीके का रूम है, पूरा टाइल्स लगाया हुआ। बाहर से कुछ इस तरीके का कमरा दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। बाहर से देख लो कुछ इस तरीके का है। और वो जो दरवाजा है ना उधर, उसके अंदर आते हैं वो है अपन का रूम। और इधर देखो पूरा कांच का विंडो, और आप लोग इसे तो जानते ही होंगे आपका भाई खुद, ठीक है। तो चलते हैं रूम के अंदर। तो ये लॉक है तो चलो इसको पहले ओपन कर दें। ऐसे ओपन करते ही सबसे पहले आ जाता है इधर सोफा हमारा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का सोफा, सबसे पहले ये दरवाज़ा बंद करते हैं। सोफे की वजह से ये इसे आधा ही खुलता है। सोफ़ा पहले कहीं और था पर अभी यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, वरना ये जो चीज़ें हैं ना सारी चीज़ें ढक जाती है। पहले इसको दरवाज़ा बंद करते हैं, ठीक है। तो इधर एक सोफ़ा है पूरा और इधर एक पूरी विंडो है, अभी ओपन करके दिखाता हूँ। और ऐसे इधर लेफ्ट साइड में एक और बड़ा कांच आ जाता है और आप लोग देख सकते हो मुझे, तो एक और कांच है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं विंडोज़ के कर्टन्स एक साइड करता हूँ ताकि आप लोग को ठीक से दिखाई दे, थोड़ा अंधेरा आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा लाइट्स करते हैं, रुको। तो सबसे पहले ठीक है रुको, पहले यहाँ पर देख लो एक और ये विंडो है, बहुत बड़ी वाली विंडो, देख सकते हो पूरा कर्टन्स में कवर किया हुआ। और एक ए वाली भी है तो देख लो। तो मैंने सारी विंडो के पर्दे एक साइड इकट्ठा कर लिए हैं ताकि रूम में थोड़ा उजाला आए, क्योंकि पर्दे बंद थे तो रूम में अंधेरा आ रहा था। तो सारे पर्दे एक साइड सेट कर दिए और आप लोग को अभी दिखाता हूँ कि रूम में कैसा है रूम, और आप लोग को बताता हूँ। तो आप लोगों ने ये वाला जगह तो देख ली हुई है, पूरा कांच और ये सेक्शन और ये जो चीज़ पड़ी है ना ये बड़े काम की चीज़ है। ये है वाईफाई वाला बेल, नीचे मम्मी को कुछ काम होगा तो मम्मी मुझे नीचे से बटन दबा के बुलाती है, तो ये वाईफाई वाला बेल इधर पड़ा है। और ये देख लो ये विंडो अभी बंद थी पहले, तो अभी मैंने ओपन कर दिया और आप लोग बाहर का भी व्यू देख सकते हो। मैं गांव से हूँ तो इस तरह का कुछ नज़ारा है, और ये पूरी विंडो और ये सोफ़ा, ठीक है। और ये जैसे दरवाज़ा बंद होता है तो ये सारी चीज़ें जैसे ढक जाती है, तो अभी दरवाज़ा बंद है इस तरीके का। देखो अंदर से दरवाज़ा कुछ इस तरीके का है। और इधर चार्जिंग पोर्ट के लिए सब स्विच वगैरह। और थोड़ा इससे आगे आते ही ये है हमारा बाथरूम, देख लो बाथरूम भी एकदम गजब है। और नीचे रखा आप लोग को अंदर से दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका ये दरवाज़ा है, तो इसको खोलते हैं पहले, ठीक है। तो ये दरवाज़ा खोलते ही आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये बाथरूम है, ठीक है। ये भी नया है, देख लो ये बाथरूम है। तो इसको करते हैं बंद और इसके आगे आते ही कुछ इस तरीके का व्यू देख लो। ये पूरी जगह छोड़ी है ना एक टीवी के लिए, इधर बड़ा टीवी आराम से फिट हो सकता है। आप लोग को पहले चीज़ें दिखा दो, इधर एक बोर्ड लगाया है टीवी के लिए ताकि सारी चीज़ें इधर ही फिट हो जाए, ठीक है। इधर शोपीस के लिए एक फ्लावर पॉट अभी रख दिया फिलहाल, और ये गणपति जी की मूर्ति, और बीच में रखा राधा कृष्ण का झूला, क्योंकि शोपीस में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और साइड में एक और शोपीस के लिए रखा है साई बाबा की मूर्ति, और ये है फ्लावर पॉट एक और शोपीस के लिए। और नीचे रखा है कृष्ण भगवान का, ये बोलते हैं रथ तो नहीं बोलेगी इसको, ये बेल। और ऊपर एक राधा कृष्ण की एक और मूर्ति, तो देख लो। और नीचे रखा एक और फ्लावर पॉट शोपीस के लिए जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और आप लोग को थोड़ा पीछे जाकर भी दिखाता हूँ ताकि पूरा व्यू कैसा लग रहा है आप लोग देख सको। पूरा कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ये पूरा टीवी के लिए, और इधर पूरा बेड आप लोग को भी दिखाता हूँ। तो इसके थोड़ा आगे आते ही तो ये एक और यहाँ पर एक कबाट रखा है जिसके ऊपर एक सूटकेस भी है, इसमें पूरे कपड़े वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। एक और शीशा, ठीक है देख लो पूरा।
और अभी ये कबर्ड हमने फिक्स नहीं किया और ऊपर पड़े मेरे बॉक्सेस, किस चीज के बॉक्स आपको बताता हूँ, इसका अभी दरवाजा बनना बाकी है। तो आप लोग देख सकते हो ये पूरा कबाड़ आपने दिखाया मैंने तो, और आप लोग देख सकते हो ये मेरा बेड, देखो कैसा है मेरा बेड पूरा एकदम सेट होके। मैं मुझे गंदी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं सब कुछ सेट करके रखता हूँ। पूरा देख लो कुछ इस तरीके का है ये बेड। और आप लोग को एक और मेन चीज दिखाता हूँ बेड के अलावा। बेड के बाजू में मैंने रखा है मेरा पीसी, जो कि इसमें मैं गेमिंग एडिटिंग वगैरह सब कुछ करता हूँ। तो देखो कुछ, सबसे पहले ये मेरा टेबल है और इससे पूरी चीज रखे। ये मेरा दूसरा मोबाइल है जहाँ पे अभी रखा है मैंने, और ये है मेरा गेमिंग पीसी, आप लोग देख सकते हो मेरा फोटो लगा हुआ है। तो ये है मेरा गेमिंग पीसी, आप लोग पूरा सेटअप देख सकते हो। और ये है बड़े काम की चीज़, ये है मेरा वाईफाई, जो कि इसके लिए मुझे गांव में वाईफाई की बहुत दिक्कत आ रही है। वाईफाई है बड़े काम की चीज़, इसके बिना तो यार आप वीडियो अपलोड करना मुश्किल ही नामुमकिन है, क्योंकि बहुत डेटा खर्च हो जाता है। और इधर एक पानी की बोतल और ये फोन का चार्जर, तो कुछ इस तरीके का पीसी सेटअप है। आप लोग इसके डिटेल्स वगैरह जानना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, तो इसका मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, मेरा पूरा पीसी सेटअप का, कितने में पड़ा और क्या क्या चीज़ इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है? तो कमेंट करके और ज़रूर बताना। तो फिलहाल एक और बार देख लो, ये मैंने गेमिंग माउस लिया था, ये माउस है और ये RGB की पूरा कीबोर्ड, क्योंकि आपके भाई को RGB का बहुत बड़ा शौक है। और इधर एक पूरा बोर्ड लगाया है और ये मेरे गेमिंग हेडफोन जिसमें मैं गेमिंग करता हूँ। और ये पीसी पूरा मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए और फोटो एडिटिंग के लिए लिया था, तो कुछ इस तरीके का है। और ये मेरी चेयर, जो कि मैंने लोकल मार्केट से करीब 600 रुपये की ली है, कुछ इस तरीके के चेयर। और ये पूरा विंडो मैंने जो कि ओपन कर दिया, और जो केबल है वो वाईफाई का केबल है, तो देख सकते हो आप यार इस तरीके का विंडो है। और पूरा रूम आप लोग को दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, आप लोग आराम से देख लो। बाहर का भी व्यू देख सकते हो, जो कि सामने जो घर है वो, और बालकनी भी है। ये मेरा रूम टूर है, तो आप लोग मेरा रूम देख सकते हो। सामने सारी जो कि जो काम की चीज़ नहीं वो ऊपर रख दिए मैंने, तो देख लो एक बार, एक और टचअप देख लो। और अभी इधर एक पेंटिंग भी है और पूरा कलर करवाया है, पूरा पिंक कलर है, ठीक है? तो इधर कुछ चीज़ें पड़ी है और ये बाथरूम तो आपको दिखा दिया, तो कुछ इस तरीके का रूम है पूरा। एक और बार देख लो, और ये अपून जिसको तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है? पूरा कबट, और ये उसरा, और ये अपना सेटअप। तो यही था मेरा रूम का टूर, ये मेरा घर का टूर नहीं था। आप लोग को मेरा रूम कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोग मेरे घर का वीडियो देखना चाहते हो वो भी बताना, कि मैं अपने घर पे ऊपर एक ब्लॉग बनाऊ। तो अगर आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और मेरा रूम भी पसंद आया होगा, तो उसके लिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप लोग वीडियो नहीं पसंद आया तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो लाइक कर देना। और मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, टाटा बाय बाय, लव यू।